अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के जनपद आजमगढ़ के भवननाथ पर, जहां पर मालगुड़ी कैफे बेकरी स्वीट्स का उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन वर्तमान MLC यशवंत सिंह के हाथों फीता काट कर किया गया है। यशवंत सिंह मीडिया से बातचीत करने जा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। ये आज हमारे देश में इस बात की मांग है कि हर युवाओं के हाथ में काम हो। आज उस मांग के हिसाब से ही हमारे देश के युवा प्रेरित होकर के अपने हाथों से अपने रोजगार की तलाश कर रहे हैं और मेरी पूरी शुभकामना है कि इस दिशा में जितनी बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़ेंगे देश उतना ही सशक्त और ताकतवर होगा। हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है कि उसमें कोई भी हुकूमत कभी सरकारी मुलाजिम नहीं बना सकती है जब तक हम अपने हाथों से अपने रोजगार की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इस दिशा में किया गया प्रयास बहुत सराहनीय है और मेरी शुभकामना है कि ये दिन दूना रात चौगुना गति से आगे बढ़े। लालगंज के भाजपा जिला अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव और पलहना ब्लॉक प्रमुख अनुराग कुमार सिंह मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आइए हम आपको अभी दिखाते हैं और सुनाते हैं। इस अवसर पर आपको क्या कहना, आज इसका उद्घाटन हुआ, इस प्रतिष्ठान को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज इसका शुभारंभ है हमारे बड़े भाई बजरंग मिश्रा जी और छोटे भाई शशांक मिश्रा जी का ये जो प्रतिष्ठान है, ये दिन प्रतिदिन उन्नति करे, ढेर सारे आजमगढ़ के जितने भी लोग रहने वाले हैं उनकी सेवा करे और सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसी जगह पर खुला हुआ है जहाँ आगंतुकों की संख्या सबसे ज्यादा है। भवरनाथ मंदिर आपके बगल में है जो बहुत पौराणिक मंदिर भी है, श्रद्धालुओं की भी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में एक अच्छा प्रतिष्ठान जहाँ पर पूरे परिवार के साथ वो बैठ सकते हैं, आकर के जलपान कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और भी जो सुविधाएं हैं यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था बड़े भाई बजरंग मिश्रा जी ने किया, शशांक जी ने किया है। इस प्रतिष्ठान की दिन प्रतिदिन उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। त्योहारों का सीजन है, अवसर है, नवरात्र चल रहा है, फिर दशहरा है, फिर उसके बाद दीपावली आ रही है। बहुत ही शुभ अवसर पर ये मालगुड़ी कैफे बेकरी स्वीट्स का उद्घाटन हुआ है। बजरंग मिश्रा जी जो मशहूर अधिवक्ता हैं, क्या कहना है इसको लेकर? ये बहुत ही अच्छी बात है, त्योहारों के समय ही आपने बड़ा शुभ मुहूर्त में नवरात्रि के समय लक्ष्मी जी की जो हम लोग आराधना करते हैं उस समय आपने एक अच्छा प्रतिष्ठान खोल करके लक्ष्मी जी का आह्वान किया है कि यहाँ पर आकर के सुख समृद्धि बढ़ाएं, तो ये बहुत ही शुभ दिन है और हम लोगों के लिए बड़ा उत्साह का दिन है और पूरे जनपद वासियों को आपके माध्यम से पूरे सभी त्योहारों की, दशहरा की, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम लोग बजरंग मिश्रा जी के इस प्रतिष्ठान पे आए हैं जो दोनों भाई मिलके आगे चलाएं, पहले तो ये शुभकामना देता हूँ शशांक मिश्रा को, छोटे भाई को, बजरंग मिश्रा भैया को। और एक नई पहल जो आजमगढ़ में दिख रही है, विकसित आजमगढ़ की जो नींव रखी जा रही है, लोग ऐसे व्यवसाय में आ रहे हैं। आज मैं जब इस प्रतिष्ठान में घुसा, जब उद्घाटन माननीय अध्यक्ष जी ने किया, सूरज जी ने, तो लग नहीं रहा था कि मैं आजमगढ़ के किसी कैफे में हूँ। इसकी संरचना बनवाना और जो आप डिजाइन पेंटिंग देख रहे हैं, निश्चित ही एक बहुत कुशल आर्किटेक्ट द्वारा की गई है और जिससे एहसास होता है कि अब आजमगढ़ वो आजमगढ़ नहीं है जो किसी और कारण से जाना जाता था, अब यह उन्नत आजमगढ़ बन रहा है जिसमें युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसमें 25 से 50 परिवार, जैसा कि बताया बजरंग भाई ने, कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से रोजगार पा रहे हैं। तो ये जो सोच है आज युवा की, आजमगढ़ की, कि अब यहाँ पे न गुंडे बदमाश रहते हैं, न कोई और रहता है, सब जेल में भाग रहे हैं बाबा के डर से, और ऐसे व्यवसाय रोज खुलते जाएंगे और आजमगढ़ भी भारत की तरक्की की एक नींव में बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। मालगुड़ी कैफे बेकरी स्वीट्स के अवसर पर इसके मालिक बजरंग मिश्रा ने क्या बातें कही है मीडिया से बातचीत करते हुए, आज हम आपको अभी दिखाते हैं और सुनाते हैं। आज इस प्रतिष्ठान के उद्घाटन के अवसर पर हमारे छोटे भाई भाजपा लालगंज के जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी आए, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे छोटे भाई अनुराग सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारा यह प्रयास है कि इस प्रतिष्ठान के माध्यम से हम लोग आजमगढ़ जनपद के लोगों को महानगरों की तरह सुविधा, मेट्रो सिटी की तरह यहाँ जो व्यवस्था है उसको सुविधा प्रदान करें, जिससे लोग यहाँ पर लाभान्वित हो। यहाँ पर जो भी व्यवस्था की गई है वह सब देसी तरीके से और देसी
व्यवस्था है खान पान की, जो हम क्षेत्र के लोगों से आग्रह करते हैं कि वो हमारे प्रतिष्ठान पर आए और यहाँ पे अच्छे स्वाद का आनंद उठाएं। इस बेकरी में जो कारीगर है वो कहाँ के? इस बेकरी के जो कारीगर है वो लखनऊ से और दिल्ली से आए हुए हैं और जो कि काफ़ी कुशल हैं और यहाँ पे एक मॉडर्न लुक देने का प्रयास किया गया है और अच्छे प्रकार के व्यंजन यहाँ पे उपलब्ध हैं जिसका आप लोग भरपूर आनंद उठा सकते हैं। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।